यूपी में आजकल अधिकारियों की जमकर तानाशाही चल रही है। जो जनप्रतिनिधि जनता से चुनकर आते हैं उनको शायद सिर्फ कुर्सी पर बैठाया जाता है और अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, उन्हें दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा अधिकारियों का शायद फरमान है। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के सागर से सामने आया है, जहां सागर जनपद पंचायत के जनपद सदस्य और जनपद अध्यक्ष सिर्फ कुर्सी पर बैठने के काम के रह गए। यहां अगर किसी की चलेगी तो वो चलेगी जनपद पंचायत की सीओ मैडम की। बस इसी को लेके तमाम जनपद सदस्यों ने आज मुख्य बैठक का बहिष्कार कर दिया है, साथ ही जनपद सीओ मैडम पर गंभीर आरोप लगाए। असल में माजरा जरा यूं है, आज बैठक आहूत हुई थी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी। एक समीक्षा बैठक भी रखी गई थी जिसमें जनपद सदस्यों का जो एजेंडा यानी विकास और समस्याओं का खाका था उसे जनपद पंचायत सीओ ने देखा है तक ही नहीं, बल्कि अपना एक एजेंडा जारी कर दिया। बस इसी बात से जनपद पंचायत सदस्य और अध्यक्ष सविता पृथ्वी सिंह नाराज हो गई। उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। मैं जनपद सदस्य हूँ सागर जनपद वार्ड क्रमांक 9 का। ये हमारे सभी साथी जनपद सदस्य हैं। हमारा नाम संजय मोंटी यादव है, सभापति हूँ। आज हम लोगों की चूंकि बैठक थी, लेकिन बैठक में हमारे सारे सदस्यों को जो एक हफ्ते पूर्व सूचना दी जाती है, लेकिन सागर जनपद द्वारा आज सुबह ही कुछ सदस्यों को सूचना दी गई और हमारे अध्यक्ष जी द्वारा जो विषय रखे हुए थे आज की बैठक में, वो विषय जो अध्यक्ष जी ने माननीय सीओ मैडम को दिए थे, सीओ मैडम ने वो ना विषय मानकर कोई नए एजेंडे पे बैठक रखी। तो आज हम लोगों ने उस बैठक का बहिष्कार किया और हमारे सारे सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। इतना ही नहीं, एक दिन पहले बैठक की सूचना दी गई। जो सांसद प्रतिनिधि पृथ्वी सिंह है उनको भी बैठक में बैठने का अधिकार नहीं मिल रहा है, जबकि सांसद और विधायक प्रतिनिधि किसी भी बैठक में जा सकते हैं, साथ ही अपनी बात रख सकते हैं। अब गुरु जनपद सदस्य तो बन गए और जनता आपसे समस्याओं को हल कराने की बात कहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। बजाय सारे अधिकारी अधिकार अपने पास रखे हैं, वो भी मनमाफिक मनमर्जी से काम कर रहे हैं। इस मामले में बड़े अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। एक हफ्ते पहले मैडम से बोला था कि जो जो एजेंडा हमने निकलवाया था उसको उन्होंने कोई विषय नहीं रखा और किसी को सूचना भी नहीं दी पहले से, कि एक हफ्ते पहले सूचना देनी थी उन्होंने नहीं दी। जो कुछ हमने बोला था उन्होंने कोई विषय नहीं रखे हमारे एजेंडा पर। और पहले एसडीएम मैडम के सामने भी बात हुई थी कि पुरानी सभा कक्ष में मीटिंग होगी, तो उन्होंने जनपद कार्यालय का उस पर एजेंडा पर पता लिख के दिया, तो सारे सदस्य यहीं पर आए। क्या अफसरशाही चल रही है या मैडम कुछ अलग अपने कानून बता रही है? मैडम अपने कानून बताती हैं, अपन कुछ बोलते हैं ना वो अध्यक्ष से अनुमति लेती है ना कुछ साइन कराती है, अपने मन का करती है। इसका मतलब ये है कि जनप्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। अगर चुनाव जीत भी जाओ सबको तो कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। अधिकारियों की यहाँ तानाशाही चल रही है। अगर जनप्रतिनिधि की तोहिन होती है उसका एजेंडा पढ़ा ही नहीं जाता है, उसके प्रस्ताव पारित नहीं होंगे, उसकी समस्याओं पर गौर नहीं किया जाएगा तो फिर वो तो गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, अपने वार्ड में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो सरकार ने फिर ये चुनाव क्यों करा दिए, क्यों जनपद सदस्य बनवा दिए, क्यों सरपंच बनवा दिए? अगर सब कुछ अधिकारियों को ही करना था, उनको ही जनपद पंचायत चलानी थी, तो ये चुनाव क्यों सरकार ने करा दिए? इस मामले में जनपद पंचायत की सीओ का अड़ियल रवैया कर्मचारियों से लेके जन प्रतिनिधियों को परेशान करने लगा है। अंगूठा चूस
इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइडर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।